वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के अंदर सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स जो है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सिमेट्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं? सिमेट्रिक्स जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो मैट्रिक्स उसी सेम मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो हमारा जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाएगा। हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। सपोज हमारे पास एक जो है वो मैट्रिक्स है, हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए है, वो हमारे पास मैट्रिक्स है 5 6 2 6 0 1, हमारे पास है 2 1 5, ये हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो उसी सेम मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज बेसिकली रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स जो हमारे पास होते हैं उनको रोज में चेंज कर देना हमारा क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसपोज कहलाता है। अब हम देखते हैं इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज हम किस तरह लेंगे, इसकी रोज को कॉलम्स में और इसके कॉलम्स को रोज में हम चेंज कर देंगे। हमारे पास इसके अगर रोज पे हम गौर करते हैं, रोज क्या है, 5 6 2, फर्स्ट रो हमने इसको 5 6 2 कॉलम में चेंज कर दिया। सेकेंड रो हमारे पास 6 0 1 थी, हमने 6 0 1 कॉलम में चेंज कर दिया। नेक्स्ट रो हमारे पास 2 1 5 है, इसको हमने 2 1 5 कॉलम में चेंज कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एक जितनी भी एंट्रीज थी, जितनी भी रोज थी, उनको हमने कॉलम्स में चेंज कर दिया, हमारा ये ट्रांसपोज आ गया। अब अगर हम इस पे गौर करते हैं तो ए जो है हमारा वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। ए का ट्रांसपोज ए के क्या है, इक्वल आ रहा है। अगर इसी तरह होता है कि ए का ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का लेने के बाद वो उसी सेम मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो हमारा जो मैट्रिक्स होता है ये हमारी जो कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन जो है वो सिमेट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है ये हमारी सिमेट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं, इसी तरह ट्रांसपोज लेने के बाद जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो मैट्रिक्स उसी अपने सेम मैट्रिक्स के नेगेटिव या उसके एडिटिव इनवर्स की इक्वल आता है, अगर वो मैट्रिक्स जो है अगर हम उसका जब लेते हैं ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो उसके एडिटिव इनवर्स के इक्वल आ रहा है तो वो हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, वो हमारा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स सपोज किया बी है, ये बी मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास है हमारे पास मैट्रिक्स है 0 5 9, हमारे पास है -5 0 1, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है -9 -1 और 0, ये जो हमारा है ये क्या है, ए मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की अगर हम रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हम ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, हम क्या करेंगे, इसकी रोज जितनी भी हैं उन रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। 0 5 1 5 9 हमारे पास रो थी, 0 5 9 को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास -5 0 1 है, हम -5 0 1 कॉलम में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है -9 -1 और 0, ये हमने क्या किया, जितनी भी रोज थी उन रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया। अब अगर हम बी जो है बी मैट्रिक्स हमारा, उस बी का इनवर्स लेते हैं, बी का इनवर्स लेते हैं यानी कि बी का नेगेटिव ऑफ बी लेते हैं, बी का एडिटिव इनवर्स लेते हैं, तो एडिटिव इनवर्स बी का क्या होता है कि जितनी भी एंट्रीज हैं वो तमाम एंट्रीज अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती हैं, अगर नेगेटिव है उनका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती हैं, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाती हैं। इसको हम देखते हैं, 0 5 9 है, ये हमारा 0 -5 और 9 -9 हो जाएगा। -5 0 1 है, ये 5 0 और -1 हो जाएगा। -9 -1 0 है, ये 9 1 और 0 हमारा कहलाएगा। अगर अब हम इसको गौर से देखते हैं, हमने ये कहा था कि स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है, एक हमारे पास मैट्रिक्स कोई भी है उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव जो है उसकी इक्वल आता है या उसके एडिटिव इनवर्स की इक्वल आता है तो वो हमारा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाएगा। हमने इसका ट्रांसपोज भी ले लिया, हमने इसका एडिटिव इनवर्स भी ले लिया। अगर हम देखते हैं तो इसका ट्रांसपोज और इसका जो हमने एडिटिव इनवर्स लिया है वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल आ रहे हैं। अगर ये कंडीशन हमारे पास होती है कि जो बी है हमारा उसका जो ट्रांसपोज है, कोई भी या मैट्रिक्स बी ए सी डी कोई भी मैट्रिक्स है, बी या जो मैट्रिक्स हमारे पास था
उसका ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो उसी मैट्रिक्स के इनवर्स एडिटिव इनवर्स के इक्वल आता है तो ये जो हमारी कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाती है।